मैं शुरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। प्रियंका चहर चौधरी ने अंकित गुप्ता को बोला, इसीलिए मैं तुझे बोलती थी कि इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो। आखिरकार यहाँ पर किस मैटर पे बात हो रही है, चलिए आप लोगों को बताती हूँ। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अदालत टास्क हुआ और आप लोगों ने हालांकि आज के प्रोमो में ये चीज देखी है कि अंकित और प्रियंका की धमासान लड़ाई हुई है, जहां पर अंकित ने बहुत ही बड़ा एक स्टेटमेंट भी दे दिया है, जिसके बारे में जिक्र जो है सब लोग कर ही रहे हैं। पर इसके बाद जो है उनकी सुलह हो गई, एक दिन सुलह हुए हो भी गई है, अदालत टास्क भी जो है घर में आ चुका है। और घर में आने के बाद जब ये अदालत टास्क हुआ, उसके बाद जो है इन दोनों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग जो है देखने के लिए मिल रही है, जो कि मुझे वाकई में काफी ज्यादा प्यारी और रियल नजर आ रही है। बाकी के सदस्य तो मुझे काफी ज्यादा फेक नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि काफी सारे ऐसे एंगल्स बन रहे हैं जो कि सरासर फेक है। हालांकि यहां पर अंकित और प्रियंका जो है बात कर रहे हैं, जहां पर अंकित बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि तुझे पता है कि भाई टास्क में ये शालिन जो है क्या क्या बातें निकाल के लेके आया, कहां कहां की बातें निकाल के लेके आया बाबा। ये बहुत ही ज्यादा हैरान थे अंकित, और ये बातें जो है वो प्रियंका को बता रहे थे, जहां पर प्रियंका जो है उनको ये जवाब देती है कि हाँ अंकित, मैं इसीलिए तुझे बोलती थी कि हर एक चीज में तू इन्वॉल्व हो, अगर तू इन्वॉल्व रहेगा सब चीजों में तो तुझे भी पता होगा कि वो चीजें कब हुई, कहां पर हुई, कैसे हुआ, उसका सही क्या है, गलत क्या है। तो इन चीजों में अगर तू इन्वॉल्व नहीं रहेगा तो तुझे पता ही नहीं होगा, तो इसीलिए मैं तुझे ये बात बोलती थी कि इन्वॉल्व रहना काफी ज्यादा जरूरी है। वो देख सब चीजों में इन्वॉल्व रहता तो उसको पता है। तो ऐसे टाइम पे ऐसे काम आ सकती हैं चीजें जब आप इन्वॉल्व रहते हैं। अभी शालिन को काम आई है ना वो पॉइंट्स, अगर तू भी इन्वॉल्व रहेगा तो तुझे भी आने वाले दिनों में शायद वो चीजें जो है काम आएंगी। तो ये चीजें जो है अंकित को समझाती हुई नजर आ रही है प्रियंका। हालांकि भाई ये दोनों जो है बहुत ज्यादा प्यारे हैं और बहुत ज्यादा रियल है, पर घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनको फेक बताते हैं। आप लोग को पता है ना वो लोग कौन है, हालांकि मुझे उनका नाम भी नहीं लेना है, पर प्रियंकित करके कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।